आप सभी का स्वागत है, मैं हूं शाहिन खान। खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल एच के लोहिया का शव सोमवार देर रात तंत्र की परिस्थितियों में उदयवाला स्थित उनके दोस्त के घर बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच के अनुसार किसी देशधार हथियार से लोहिया का गला रेता गया है, वही शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। घटना के बाद से फरार घर के नौकर पर ही हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि जसीर के रूप में पहचाने गए उसके घरेलू नौकर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल नौकर फरार बताया जा रहा है। श्री सिंह ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि संदिग्ध ने 57 वर्षीय लोहिया के शरीर को आग लगाने का भी प्रयास किया है। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने जम्मू के बाहरी इलाके में उदयवाला में घर का दौरा कर कहा कि 1992 बैच के IPS अधिकारी लोहिया के शरीर पर जलने के निशान मिले और उनका गला कटा हुआ पाया गया है। घटना स्थल का मुआयना करने से संकेत मिलते हैं कि लोहिया ने अपने पैर में कुछ तेल लगाए होंगे, जिसमें कुछ सूजन दिखाई दे रही थी। पुलिस के अनुसार हत्यारे ने पहले लोहिया का दम घोटकर हत्या की और उसके बाद गले को काटने का भी प्रयास किया है या टूटी हुई बोतल का इस्तेमाल किया और बाद में शव को आग लगाने की भी कोशिश की। अधिकारी के आवास पर मौजूद गार्डों ने लोहिया के कमरे के अंदर आग देखी और उन्होंने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उसे तोड़ना पड़ा। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस से स्कूल टीचर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। यहाँ स्कूल के अंदर क्लास लेने के दौरान टीचर शराब पीता दिखाई पड़ रहा है। उसने क्लास के अंदर शराब की बोतल रखी हुई थी। उसने पहले से ही काफी शराब भी पी थी। जब उससे पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो आप, तो टीचर ने एक और शराब की बोतल निकाल कर उन्हें दिखाई। खबर है उत्तर प्रदेश से। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो और इसकी जानकारी जिलाधिकारी रमेश रंजन को लगी तो उन्होंने आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया और अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए। पूरा मामला DRB इंटर कॉलेज का है। जानकारी लगने पर उसे नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे सस्पेंड कर अब जांच कमेटी बैठा दी गई है। कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। DIOS ऋतु गोयल ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें जो वीडियो मिला है उसमें देखा जा सकता है कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाने की जगह टीचर उन्हीं के सामने बोतल लेकर बैठा हुआ है। बच्चों के सामने स्कूल में टीचर की हरकत बेहद शर्मनाक बताई जा रही है। ऐसे टीचर को सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर दौड़ रहा ट्रक आग के गोले बदल गया। ऑयल का रिसाव होने से ट्रक में आग लग गई। इसके बाद इंजन में लगी आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर और कंडक्टर ने किस तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तब बर्निंग ट्रक वीडियो भी सामने आ रहा है। बंडोल पुलिस मामले की जांच लेती हुई है। खबर है मध्य प्रदेश की सिवनी जिले की। दरअसल ट्रक लोहे का सामान लेकर जबलपुर से गोवा जा रहा था। ऑयल का रिसाव होने के कारण नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम सोना डोंगरी के पास ट्रक के इंजन में आग लग गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में आग लगने का अंदेशा होते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक को सड़क पर खड़ा कर कूद कर अपनी जैसी तैसी जान बचाई। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दे दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। घटना में ट्रक में रखे 35,000 रुपए नकद और कागजात भी जलकर खाक हो गए हैं। बंडोल पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है। दिल्ली से अलीगढ़ को आने वाली जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। अलीगढ़ GRP की टीम मौके पर भेजी गई है। इंस्पेक्टर GRP सुबोध कुमार का कहना है कि सांड के टकराने से ट्रेन का S7 बोगी पटरी से उतर गई थी। डिब्बे को अलग कर दिया गया है। अमृतसर से टाटा नगर को आने जाने वाली ये एकमात्र ट्रेन बताई जा रही है, जिसमें अधिकतर सिख परिवार के सदस्य स्वर्ण मंदिर के दर्शन को जाते हैं। दुर्घटना के चलते अलीगढ़ जंक्शन पर आने और जाने वाली नॉर्थ ईस्ट, महानंदा, चंपारण आदि कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। जानकारी के अनुसार सांड के टकराने से जम्मूवती टाटा नगर एक्सप्रेस की एक बोगी S7 का चक्का बेपटरी हो गया। इसके बाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रुक गया। घटना के समय जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस गाजियाबाद स्टेशन छोड़ने के बाद छोटे छोटे स्टेशन चिपियाना, बुजुर्ग, मारीपत, दादारी, बोड़ाकी, अजायबपुर, दनकौर, फतेहपुर, मकरनपुर से होती हुई
वैर से गुजर रही थी, तब ये घटना हुई। घटना के समय ट्रेन की स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी और 63 किलोमीटर बाद अलीगढ़ का स्टेशन पहुंचने वाला था। बेपटरी होने के बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों को जबरदस्त झटका लगा है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ है। अगली खबर है गुजरात से, तो गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेरा गाँव में नवरात्र में गरबा खेल रहे लोगों पर एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर डाला, जिससे 6 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। खबर है गुजरात से, जी हां, खेड़ा जिले के अंधेरा गांव में नवरात्र के दौरान सोमवार की देर रात गरबे के दौरान एक समुदाय विशेष लोगों द्वारा पथराव किए जाने की जानकारी मिलते ही एसपी और डीएसपी समेत कई अधिकारियों का काफिला अंधेरा गांव पहुंच गया। पुलिस के अनुसार गांव में नवरात्र उत्सव चल रहा था, तभी कुछ लोग गुट बनाकर आए और गरबा करने वालों को परेशान करने की कोशिश की। पहले तो गांव के नेताओं ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और थोड़ा पीछे जाकर पथराव करने लगे, जिससे आधा दर्जन लोगों के अलावा सुरक्षा में लगे कुछ जवान भी घायल हो गए हैं। फिलहाल गांव में पुलिस का काफिला तैनात कर दिया गया है। वायरल न्यूज में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज। नमस्कार।